फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी पूरी। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन के स्नैक। यदि आप रोज रोज के नाश्ते से बोर हो गए हों तो एक बार इस नाश्ते को बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। तो फिर चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सूजी और बेसन का नाश्ता बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है। हमने बारीक वाली सूजी ली है। यदि आपकी सूजी मोटी हो तो आप मिक्सी में चलाकर बारीक कर लीजिए। इसके साथ ही एक कटोरी बेसन लिया है। अब हम इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे और हमें खट्टा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही घोल बनाना है। और हमें घोल इस तरह बनाना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। देखिए हमारा घोल बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, इससे भी हमारे घोल में अच्छा सा कलर आ जाएगा। और हमें इतना पतला रखना है कि हम ऊपर से गिराएं और नीचे तक गिरे, इसी तरह का चाहिए। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, और हमने गैस को लो फ्लेम पर ही रखा है। इसके साथ ही हमने जो बेसन और सूजी घोल के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे नीचे से लगे ना, क्योंकि हम इसको जैसे जैसे पकाएंगे हमारा घोल गाढ़ा होता जाएगा। इस रेसिपी को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब हमारा घोल गाढ़ा हो गया है और इसे पकाने में सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए हम जिस तरह से आटा लगाते हैं उसी तरह से इकट्ठा हो गया है। देखिए अब हमारा घोल अच्छे से पक गया है, कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए अब हमारा घोल ठंडा हो गया है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें खड़ी धनिया भी डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज, 1 टमाटर भी डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप और कोई सब्जी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी एक लोई तोड़ेंगे और इसकी गोल गोल टिक्की जैसी बनाएंगे। यदि आपको और कोई आकार पसंद हो तो आप वो भी बना सकते हैं। गोल गोल करके इसको दबा देंगे। देखिए हमारी एक टिक्की बनके तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी बनके तैयार है। देखिए हमारी सारी टिक्की बन चुकी हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें अपनी टिक्की डाल देंगे और हम गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। जब हम टिक्की डालें तब ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगी तभी हम इनको पलटेंगे। देखिए इनमें गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इनको पलट देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसमें गोल्डन कलर आने देंगे।
इसी तरह से हम इनको उलट पुलट करके गोल्डन कलर आने तक तलेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। अब हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। एक मिनट के लिए हम इन्हें लो फ्लेम पर भी पकाएंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हमने टमाटो केचप लिया है, आप हरी चटनी भी ले सकते हैं। देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा बना है, कितना क्रिस्पी, कितना टेस्टी बना है। यदि आप रोज़ के नाश्ते से बोर हो गए हों तो एक बार इस नाश्ते को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।